श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर शिव जी की आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें, तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी मांगो वो देते हैं। हम ये तपस्या करेंगे। इस तपस्या का मतलब है अंगारों पर चलना। क्या आप कर पाओगी? आप हमें सिर्फ ये बताइए कि वो तपस्या हमें कब से शुरू करनी है। आज से आप निर्जला उपास रहिए और रात को मंदिर में आइए। तुमसे वो इंसान मिलने आने वाला है जो हर्ष के इस हाल के लिए भी जिम्मेदार है। पंडित जी, आपने जैसा बोला हमने बिल्कुल वैसे ही किया। हमने आज निर्जला उपवास रखा है और हम मंदिर में नंगे पांव आए हैं। आगे क्या करना है हमें? बेटा, आपने पहला पड़ाव तो पार कर लिया आज। अब आपको इस मंदिर की सफाई करनी है। हाँ, ठीक है, हम सफाई भी करेंगे। बेटा जी, यहाँ आइए। चलिए जी। बेटा जी, इस जगह की भी सफाई करनी है, पर एक बात ध्यान रखना, निर्जला उपास के बाद भूखी प्यासी इतने बड़े मंदिर की साफ सफाई करना बहुत ही कठिन काम होगा। पंडित जी, जानकी दृढ़ निश्चय है, उसने अगर तपस्या करने का प्रण ले लिया है तो अब उसे कुदरत भी नहीं रोक सकेगी। वो अपने पति के लिए मुश्किल से मुश्किल परीक्षा को भी पास कर लेगी। हे भोलेनाथ, हम पर कृपा करना, आशीर्वाद देना हमें कि हमारी ये तपस्या पूरी हो और हर्षी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बस हर्षी की ठीक होते ही हर सवाल का जवाब सामने होगा और वो गुनहगार भी जिसने हर्षी की हालत की है। जानकी, क्या हुआ बेटा? ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। अब मैं सोचती हूँ कि मैंने तुझसे ये सब क्यों कहा करने के लिए। नहीं नहीं रंगीली जी। जानकी बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, तुम्हारा गला सूख रहा होगा ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें ये व्रत निर्जला रखना है ना, हम पानी नहीं पी सकते। और अब ये मंगलसूत्र देख रही है, ये हर्षी के लिए। जब तक ये हमारे गले में है ना रंगीली जी, हमारा नहीं गला सुन सकता है और ना भी कुछ हो सकता है। बेटा, तुमने मंदिर तो बड़े अच्छे से साफ किया है, लेकिन तुम्हारी इस तपस्या का अंतिम पड़ाव अभी बाकी है। पंडित जी, हमें बस बताइए हमारा आखिरी पड़ाव क्या। बेटा, अभी सूर्य उदय में 2 घंटे बाकी हैं। जब तक सूर्य उदय नहीं होता, तब तक तुम अपने हाथों में अखंड ज्योति लेकर शिवलिंग के सामने घुटने के बल 108 परिक्रमा करने होंगे और वो भी बिना रुके।